ये आज हम व्रत में खाने की रेसिपी बना रहे हैं। तो ये हमारी उबली हुई लौकी है और ये सिंघाड़े का आटा है जो व्रत में खाते हैं। और इसमें डालने के लिए ये व्रत में खाने वाला नमक, घिसी हुई अदरक और ये हरी धनिया है। और इसमें आप अगर हरी मिर्च खाती हैं तो इसमें हरी मिर्च डालिए, नहीं तो ब्लैक पेपर डाल दीजिए। तो ये लौकी का, ये जो उबली हुई लौकी है, इसको थोड़ा सा मैश करके और इस आटे में मिक्स करेंगे। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। तो पहले इसमें धनिया मिक्स करेंगे, फिर ये अदरक और स्वाद के अनुसार नमक। ये लौकी का हम सारा पानी निकाल दिए हैं। अब इसको इस सिंघाड़े के आटे में आपको मिक्स करके और इसका एक डो बना लेना है। ये इनको अच्छे से मिक्स करके नमक एक बार टेस्ट कर लीजिए। और फिर इसकी स्लाइस की हम ये गोली गोली टिक्की बना लिए हैं। अब इसको एक पैन गरम करिए और उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के और सेलो फ्राई करेंगे इसको। पैन हमारा गरम हो गया है। अब इन सारी टिक्की को इसमें एक एक करके इसमें फैला दीजिए। व्रत में खाने का ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ईजी रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी टिक्की बनके रेडी हो गई है, लौकी और सिंघाड़े के आटे की। तो आप इसको व्रत में आराम से खा सकती हैं और बहुत कम तेल में बनती है। और दही से या कोई भी व्रत में खाने वाली चटनी से आप इसको खाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।